नमस्कार, सवाल जवाब में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने बच्चों पे जो प्रेशर्स होते हैं, उनके क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं, माँ बाप की कहाँ कमियाँ रहती हैं, इन सब बातों पर डिस्कस किया था। हमारे साथ में पैनल में थे नवी मुंबई के टॉप साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर्स और टीचर्स। पर एक थिंकिंग ये थी कि बड़े तो हमेशा बच्चों के बारे में बात करते ही हैं, पर बच्चे खुद क्या सोचते हैं इन सब इशूज़ पर, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हमने हमारे सवाल जवाब कार्यक्रम एक नए तरीके से पेश करने का फैसला किया। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं आज हमारे बच्चे, जो जो हमारे डिस्कशन का मुद्दा बने रहते हैं। आज वो खुद डिस्कस करने आए हैं और वो ये बताने आए हैं कि उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी सोच क्या है, उन पर क्या प्रेशर्स हैं और वो क्या चाहते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ हमारे ऑगस्ट पैनल से। मेरे साथ हैं जानवी सारंगी, ये है 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट एवलन हाइट्स की वाशी से, और ये सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं, IAS बनना चाहती हैं और यूनाइटेड नेशंस में काम करना चाहती हैं। वेलकम टू द शो जानवी। इनके साथ में है क्षितिजा। क्षितिजा 12th स्टैंडर्ड में है, रुइया कॉलेज में है, मतलब नवी मुंबई के बाहर जा रही हैं वो पढ़ने 12th में, और ये फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हैं और काफ़ी कुछ उन्होंने शुरुआत कर चुकी हैं, ब्लॉग तक इनका है और काफ़ी पॉपुलर है मेरे ख्याल से। इनके साथ में है मोहम्मद हुसैन, यह है अल हसनात स्कूल से अतुरबा के। हुसैन के भी काफ़ी बुलंद प्लान्स हैं, ये एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। एंड उनके साथ में है अर्नब सिन्हा, ये तो है वो जिनकी वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने 96.5% हाल ही में 10th स्टैंडर्ड में आए थे, अब ये 11th में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपसे शुरुआत करते हैं जानवी, जो सब बड़े जानना चाहते हैं कि आखिर बच्चे चाहते क्या हैं आज। बच्चे यही चाहते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करें, पर ये इसका मतलब ये नहीं होता कि पेरेंट्स उन पर प्रेशर डाले जाए। बच्चे के भी खुद के ड्रीम्स होते हैं जो पेरेंट्स को उन्हें हेल्प करना चाहिए साकार करने में, और अपने मुताबिक जैसे पेरेंट्स अपने टाइम पर जैसे ज़िंदगी जिए थे उस मुताबिक अपने बच्चों को नहीं जीने, और बस बच्चों को एनकरेज किया जाए। क्षितिजा, फैशन डिज़ाइनर आप बनना चाहती हैं, आपने अभी से ही क्लियर कर दिया है, आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से जब पेरेंट्स हमें पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, हम सबसे पहले एक प्रपोजल जैसे हम उनके सामने रख देते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा बनना है, तो वो हमेशा एक बोलते हैं ना, दे एडवाइस अस कि आई थिंक यू शुड डू दिस डू दैट, बट दे शुड नॉट फोर्स अस, हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। और अभी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं अभी तक, मतलब बोलते हैं कि नहीं, मुझे मेरी बेटी को डॉक्टर बनते हुए देखना चाहिए, आई मीन आई वॉन्ट टू सी हर यू नो गेटिंग टू द हाइट्स। एंड सो मुझे ऐसा लगता है कि वॉट द चाइल्ड वॉन्ट्स दे आर सपोज टू हेल्प देम गेटिंग इट, मीन डू इट। हुसैन, आपको क्या लगता है, क्या चाहते हो आप, बच्चे आजकल क्या चाहते हैं? बच्चे आजकल यही चाहते हैं कि हम पढ़ाई करके कामयाब हो जाएं और माँ बाप उन पर प्रेशर ना डाले ज़्यादा प्रेशर नहीं डाले, क्योंकि बच्चे कैपेसिटी होती है पढ़ने की, किसी का दिमाग कम होता है, किसी का दिमाग ज़्यादा होता है, तो दूसरे का देख के ऐसा नहीं करेगा कि उसका बच्चा ऐसा लाया तो इतना कम क्यों लाया, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, उसको मदद करे, हेल्प करे, बढ़ावा दे कि अगली बार तू अच्छा लेके आना। 96.5% कितना प्रेशर था आपके ऊपर? नहीं, प्रेशर तो नहीं था, बिकॉज राइट फ्रॉम स्टार्टिंग आई डिसाइडेड, मैंने ठान लिया था कि मैं अच्छा करूँगा। हालांकि मेरे बीच में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे मन में था कि मुझे कहीं ना कहीं ये पाना ही है मुझे, क्योंकि आई एम अ गुड स्टूडेंट। सो बुरा हुआ था मतलब आपका एक्सीडेंट हुआ था, आप इंजर्ड थे, सो एंड दैट टाइम ऑल्सो आई मीन देयर वाज नो प्रेशर, बिकॉज या मैं स्कूल मिस कर रहा था, आई मिस अराउंड 2 months ऑफ स्कूल, बट स्टिल आई न्यू दैट आई टू डू समथिंग। मेरे फ्रेंड्स लाइक देवर, मेरे फ्रेंड्स भी अच्छे, आई मीन दे आर गुड स्टूडेंट्स एज इन स्पोर्ट्स ऑल्सो एंड स्टडीज ऑल्सो, एक तरह से एक प्रेशर रहता है कि मेरे दोस्त ऐसे हैं तो मैं क्यों नहीं ऐसा। सो आई हैड अ थिंग इन माई माइंड कि आई टू डू दिस, सो आई वर्क टूवर्ड्स दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई अचीव्ड इट, और जस्ट नॉट दिस, आगे भी बहुत प्लान्स है। एंड आई मीन या पेरेंट्स लाइक the sea friends are like, तुम्हारा दोस्त ऐसा है तो
आप कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हो, पेरेंट्स ने कहा था कि आप खुद बने? नहीं, मुझे खुद, मुझे बचपन से मुझे कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था। पेरेंट्स क्या चाहते थे? पेरेंट्स लाइक दे सॉ दैट इन मी। मैं आई मीन इफ यू सी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कंप्यूटर में रहता हूँ या तो मैं फोन में रहता हूँ एंड मैं गेम खेलता रहता हूँ, लेकिन आई लाइक कोडिंग, मतलब मुझे चीज़ों को बनाना अच्छा लगता है। सो माई पेरेंट्स सॉ दैट इन मी एंड आई थिंक दे नॉट फोर्स मी, मुझे बनना था तो मैंने प्लान किया कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, तो दैट इज माई एम। चलिए, ये तो ये हुआ कि आप क्या चाहते हैं। मैं एक थोड़ा दूसरा सवाल करता हूँ कि आपको गुस्सा किस बात पे आता है? हमें लाइक फ्रीडम, लाइक सपोज वी ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक एंड दीज थिंग्स, सो लाइक आवर फ्रेंड्स आर ऑल्सो देयर, सो वी लाइक टू चैट विद देम, वी लाइक टू पोस्ट पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, वी लाइक टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स, सो आई थिंक yeah, we need that freedom to like go with friends, din bhar aaram karo, ash karo, bhale wo exam ke beech mein. I see mid bahut sare dost hai jo mid exams jaake bahar ghoomte hai, they have fun and everything, so and hum jaise bachche hum dekhte hai ki hame bhi wo chahiye waisa freedom, waisa jo aisa bahar jaake they enjoy, they have yaha wa jaake bahar khate hai. To janvi, ye freedom jo aajkal ke bachchon ke sabse badi jo कंप्लेन है, जैसे कि आप ना भी अभी कह रहे हैं कि फ्रीडम हमें नहीं मिलती है, क्या फ्रीडम चाहिए आप लोगों को? फ्रीडम, वो फ्रीडम कि पेरेंट्स आपको रोक टोक नहीं करें, आप हर स्टेप लो तो हमेशा, वो आपको एडवाइस दे सकता है, बट जो हमें अच्छा लगता है एक एज के बाद हमें वो अलाउ करना चाहिए कि वी वुड लाइक टू डू दिस एंड दे शुड गिव देयर पॉइंट ऑफ व्यू, बट दे शुड नॉट बी द वन हु बिकम्स अ बैरियर इन आवर स्टेप्स. और दूसरी फ्रीडम ये है कि आज जब मेरे फ्रेंड्स और हम लोग अगर फोन पे कोई बैठता है तो पेरेंट्स हैव दिस थिंग, व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट इज दिस, दैट इज द बिलीफ, दे पेरेंट्स विल नॉट बिलीव, दे स्पाय, लाइक आई मीन लाइक नाउडेज लाइक मेनी बॉयज एंड गर्ल्स जस्ट गो अहेड एंड दे जस्ट हैंग आउट टुगेदर, सो इन दैट सिनेरियो आई मीन दे ट्रस्ट नहीं करते हम लोग, आई मीन देयर इज नॉट ट्रस्ट, आई मीन बिलीफ नहीं है, बिलीफ. They should believe that their children won't do something wrong because they are children, and it is depending on the parents, the culture and the family that will make out the children. If the child is not trustworthy, that is the mistake of the parents because they're not looked after. But looking after does not mean that you go and spy the child, you go and check his mobile every 2 minutes, you go and check when the child is sitting on the mobile. You have to give him a bit of freedom. It is his life. आपको शिलिजा कौन सा freedom नहीं मिला? Now when you come to me. It's a main point in this, I mean socially, I post a lot of pictures, I have my own blog, so you didn't wear this, you didn't, you know, you're showing this, you should not wear this, it's short, it's this, it's that. This kind of freedom every girl, she must be agreeing to that. Parents, okay, my parents are good enough, I mean, they know what I am doing. I have my limits because they trust me that I won't cross my limits. There are some parents, generally. And when some parents are like, nahi, jeans is not allowed. I mean, still, it's not allowed for some girls. They wear salwar kameez. In my college, there are some girls who come in salwar suits and all. And then if you ask them, ki, why don't you wear jeans? Nahi, humare ghar pe allowed nahi hai. हमारे घर पे हम लोग यू नो स्लीवलेस टॉप्स नहीं डाल सकते ही. दिस काइंड ऑफ फ्रीडम यू नो गर्ल्स नीड. बैरियर्स इन वेयरिंग क्लोथ्स. या हुसैन, आपको किस बात पे गुस्सा आता है? मेरे पेरेंट्स कभी भी किसी बात के लिए रोक टोक नहीं की, हर तरह की फ्रीडम दी, लेकिन बस लिमिट क्रॉस करने से मना किया. लेकिन क्या? बस ट्रेन से यहाँ वहाँ घूमना नहीं, और आवारा बच्चों की तरह, और अच्छे दोस्तों से दोस्ती करना, बुरे बच्चों के साथ रहना, अच्छे माहौल में रहना, क्योंकि बुरे माहौल में रहेंगे तो हम भी बुरे बन जाएंगे. मुझे ये बताइए, आप लोग जो बोल रहे हैं कि चाहे घूमने की बात हो, चाहे चैटिंग की बात हो, माँ बाप अगर ये बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, आपको क्या लगता है? हमेशा दोष 50-50% होता है. चाइल्ड का भी गलती है और पेरेंट्स का भी गलती है. एक चाइल्ड को उसको भी अपना लिमिट, अपना रूटीन बनाना चाहिए कि मैं फेसबुक या कोई भी सोशल नेटवर्क को इतने से ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा. आई डू जस्टिस टू एवरी थिंग, आई डू जस्टिस टू माई स्टडीज, आई डू जस्टिस टू द सोशल नेटवर्किंग पार्ट, आई डू जस्टिस टू माई लाइफ, बट आई शुडन्ट क्रॉस. पेरेंट्स शुड ऑल्सो सी दैट द चाइल्ड गेट्स इनफ टाइम फॉर हिमसेल्फ, द राइट टू प्ले, द राइट टू ड्रेस एज ही वॉन्ट्स, बिकॉज
आफ्टर ऑल द चाइल्ड इज गोइंग टू ग्रो अप. तो मुझे ये बताइए, जो फ्रीडम की बात करते हैं और फिर बोलते हैं माँ बाप रोक टोक करते हैं, अगर मैं माँ बाप की तरफ से अगर बात करूँ तो ये होता है कि भाई बच्चों का हमें केयर करना है, उन्हें उतना एक्सपीरियंस नहीं है शायद, गलत जैसा भी इन्होंने कहा कि अच्छे बच्चों के साथ घूमो, शायद इन्हें हम माँ बाप समझते हैं, शायद हमारे बच्चे अभी इतने मेच्योर नहीं हुए कि वो समझ सकें कि सही क्या गलत है, तो वो कभी कभी गाइड करना चाहते हैं. मुझे ये बताइए, आप लोगों के फेसबुक अकाउंट्स होंगे, ओके, कितनों के माँ बाप के पास उनके पासवर्ड्स हैं? और आपको क्या लगता है, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, बिकॉज आई हैव टू रीजंस फॉर दैट. वन इज द प्राइवेसी एंड सेकंड इज द चाइल्ड. सी द चाइल्ड इज यूजिंग हिज अकाउंट, ओके, यू विल थिंक दैट नो आई शुड कीप अ वॉच, बट दैट वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट, नो माई चाइल्ड वोंट डू दिस, दैट ट्रस्ट इज सपोज टू बी यू नो देयर, इट शुड गेट डेवलप बाय टाइम टू टाइम. And if we see psychology, in psychology they have told, like I study, if you tell the child that nahi mujhe bharosa nahi hai, tu aisa karegi, aisa karegi, to wo bachchi bolegi theek hai, abhi unko lagta hai na, abhi main karke dikhaungi, abhi main yahi. Par agar main bahut zyada bharosa kar lu, nahi, I mean like what I'm saying, aise koi problem hi nahi honi chahiye ki parents ko parents ko the generation is growing, the generation is changing, parents should be frank, they should keep distance equal, aisa nahi ki kabhi pata chala ki my girl is talking and chatting with another guy, the parent and the mom aag babula nahi ho jata, discrimination kis kuch karne ki zarurat hi nahi hai, agar ye difference hi nahi rahega to parents ko agar password hi pata rahega to kya fayda, this bhi kuch problem hi nahi hoga, bahut mere friends, mere mummy, hum log we are so bad, best friends chupane ki kya baat hai, they should be honest, we are doing the right thing, I mean there should be no wrong thing which we are doing, yeah, so that is strong, yeah. When you know that you are doing the right thing, then usme koi zarurat hi nahi apne parents se kuch chupane ki, to fir kyu chupaya jata hai, jab wo ladke ya ladkiya galat kaam kar, I mean suppose they see you chatting with a girl, so they ask ye kaun hai, ye who is she, what is her past, and is it they keep on connected people, so yeah. You talk to friends, friends ke friends ke friends, yeah. Ke friends, and exactly. Sometimes they come to conclusions, wahi to dar lagta hai, yeah. Yeah. ये friends के friends के friends के friends पता नहीं कौन है, और आप लोग फिर बोलते हो कि of course मैं आप लोगों के against में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माँ बाप को ये घबराहट होती है, तो उससे आप कैसे बच सकोगे? एक और है, जैसे अभी हम लोग ओपन डे में जाते हैं स्कूल्स में, तो हमको ये समझाया जाता है कि अगर आपका बच्चा इस पे है, नेट पे है, इंटरनेट वगैरह कर रहा है, तो आप थोड़ी सी नज़र रखिए, ओके, बट आई एम श्योर कि अगर आप सर्व कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, माँ बाप आते हैं, तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, वो इसलिए नहीं पसंद आता क्योंकि उनको लगता है कि पेरेंट्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है हम गलत कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया कैन बी यूज एज शी राइट्स ब्लॉग्स, she is taking steps towards her profession, she is taking steps towards her what she wants, so social networking site can also be a way for bringing up what you want in the future, to hamesha ye zarurat nahi hoti ki hamesha jo bhi social networking pe hai to galat kare, freedom aur social networks mere khayal se aajkal ke bachcho ke liye bahut hi zyada important ho chuke hain, aur yahi ek bone of contention hota hai maa baap ke sath pe bhi, hum ye charcha jari rakhenge ek chote se break ke baad.